नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आज शुरू हो गया है। सूबे के 5 जिलों बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर की 30 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बांकुड़ा जिले की 4, पश्चिम मेदिनीपुर की 6, झारग्राम की 4, पूर्व मेदिनीपुर की 7 और पुरुलिया की 9 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण के 30 में से 7 निर्वाचन क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। कुल सीटों में से 11 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सुरक्षित है। आज 30 विधानसभा सीटों पर कुल 191 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें 21 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 170 है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 30 सीटों में से 27 पर टीएमसी ने कब्जा जमाया था। कांग्रेस ने 2 और आरएसपी ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी का पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर खाता नहीं खुल पाया था, लेकिन गत लोकसभा चुनाव में इन जिलों में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी को इस बार यहां काफी उम्मीदें हैं। वहीं टीएमसी के सामने अपने सीटों को बचाने की बड़ी चुनौती है। पहले चरण में 191 उम्मीदवारों में से 48 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 42 के खिलाफ गंभीर मामले हैं। इस चरण में 191 में से 19 उम्मीदवार करोड़पति हैं। सबसे कम संपत्ति वाले 2 उम्मीदवार हैं, जिनकी कुल संपत्ति 500 रुपए है। 4 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति 0 है। 96 उम्मीदवार महज 5वीं से 12वीं पास हैं, जबकि 96 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 5वीं से 12वीं तक घोषित की है, जबकि 92 ने स्नातक और उससे ज्यादा बताई है। 3 उम्मीदवारों ने अपनी शिक्षा योग्यता डिप्लोमा धारक घोषित की है। पहले चरण में कुल 6 विधानसभा सीटों को काफी हॉट माना जा रहा है, जिन पर दिग्गज उम्मीदवारों में मुकाबला देखने को मिल रहा है। जैसे पुरुलिया सीट पर टीएमसी के सुजॉय बैनर्जी और बीजेपी के सुदीप मुखर्जी के बीच मुकाबला है, जबकि यहां कांग्रेस के टिकट पर पार्था प्रतिम बैनर्जी चुनाव मैदान में है। मेदिनीपुर में टीएमसी की जूने मालिया का बीजेपी के शामित दास के साथ टक्कर है, जबकि सीपीएम ने यहां से तरुण कुमार घोष को टिकट दिया है। खड़गपुर में मुकाबला टीएमसी के दिनेन रेका बीजेपी के तपन भुइया के साथ है। यहां सीपीएम के एसके सद्दाम अली चुनाव लड़ रहे हैं। कांथी उत्तर से टीएमसी के तरुण कुमार जना के मुकाबले बीजेपी ने सुनीता सिंघा पर दांव लगाया है और सीपीएम ने सुतानु मैती पर भरोसा किया है। कांथी दक्षिण से टीएमसी के दिग्गज ज्योतिर्मोर्य कार चुनाव मैदान में हैं, तो बीजेपी ने उनको टक्कर देने के लिए अरूप कुमार दास को लड़ाया है। सीपीएम की ओर से यहां पर अनुलूप पांडा चुनाव लड़ रहे हैं। बागोमुंडी में टीएमसी की ओर से सुशांता महतो मैदान में हैं, तो यहां बीजेपी के सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के चीफ आशुतोष महतो खुद मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने नेपाल महता पर काफी उम्मीदें टिका रखी हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों के लिए पूरे 8 चरणों में चुनाव होने हैं और आखिरी चरण 29 अप्रैल को होना है। 2 मई को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन सारे नतीजे आ जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।